दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय खिरकापुरा में हूँ। वो खिरकापुरा जहाँ पर महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कराने के लिए यहाँ की शटरों को टूड़ा फोड़ी करने की कोशिश की और पुलिस ने अब फिर मुकदमा दर्ज किया है कुछ पुरुषों पे और अज्ञात ने कुछ महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ये दुकान यहाँ पर खुल कैसे गई। नियम जो कहता है कि नियम अगर आप 50 मीटर के दायरे में बगल में कहीं कोई दुकान है या मकान है तो आप दारू की दुकान नहीं खोल सकते हैं। नियम यह भी कहता है कि जब यहाँ पर दुकान खुलेगी तो यहाँ पर मीनारी पिटवानी पड़ेगी, यहाँ पर नोटिस चिपकाना पड़ेगा और यहाँ पर रह रहे लोगों से अनुमति लेनी होगी। लेकिन सभी नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर आबकारी विभाग यहाँ पर दुकान खुलवा देता है और जब यहाँ के लोग आपत्ति जताते हैं तो उन पर उल्टे मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। जबकि मुकदमा किस पर लिखा जाना चाहिए, जो अनलीगल तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर शराब की दुकान खोलेगा। दूसरी चीज, पुलिस को भी इसमें जब मुकदमा दर्ज किया तो निष्पक्ष जांच करने की बड़ी आवश्यकता है। कोई व्यक्ति क्या प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हाँ, अगर कोई प्रदर्शन गलत तरीके का हो रहा है उस पर मुकदमा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उद्देश्य क्या है, इस मोहल्ले में शराब के कारण लोग परेशान हैं और गलत जगह यह है शराब की दुकान खोली गई है। जो नियम कहते हैं, जो कायदे कहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर दुकान खोली जानी चाहिए थी और जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी ही दूर पे यहाँ पर बस्ती लगी हुई है दुकान के बगल से ही, तो कैसे खुल गई? और आबकारी विभाग के अधिकारी क्या सो रहे थे? दुकान को परमिशन कैसे मिल गई यहाँ पर खोलने के लिए? दूसरी चीज, यहाँ के DM को इस पूरे मैटर में हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल इस दुकान को यहाँ से बंद करा देना चाहिए। अब उदम होने के बाद दुकान बंद है, पुलिस ने यहाँ पर खोलने नहीं दिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कब तक पुलिस संभालती रहेगी? अधिकारियों का क्या काम, वो लोगों की फरियाद क्यों नहीं सुनते? महिलाएं सड़क पे उतरती हैं अपना घर परिवार बचाने के लिए, बर्बाद हो रहा है दारू के चक्कर में इनका घर परिवार। और घर के बगल में अगर दारू की दुकान हो तो फिर कहने ही क्या है, दिन रात घर में केवल दारू पीते के लोग डरे रहेंगे और महिलाओं का शोषण करते रहेंगे। अगर महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती हैं तो फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में ना तो नेता सामने आते हैं, ना ही महिला नेता सामने आते हैं, ना ही सांसद आते हैं, ना मंत्री आते, ना विधायक आते हैं। यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर यहाँ के सम्मानीय विधायक जी का घर है, लेकिन इस मुद्दे पे विधायक जी शायद सामने नहीं आए। और अगर विधायक जी चाहते तो इस दुकान को हटवा देते तभी, लेकिन अभी तक नहीं हटवा पाए। अब देखने वाली बात होगी कि जो मुकदमा हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच होती है कि नहीं होती है। और पुलिस की विशेष जिम्मेदारी है ऐसे मैटरों में जहां सामाजिक दायरे से जुड़ी हुई बातें हों, विशेष तौर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनने गलत तरीके से यहाँ पर दुकान खोली। और वो आबकारी विभाग के कौन से अधिकारी हैं जो शराब माफियाओं के साथ मिलकर लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके परिवार का जीवन बर्बाद कर, उनके बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कब होगी ये देखने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।